को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, तो ये देखिए ये कल की ही क्लिप है जो रह गई थी तो मैंने आज ऐड कर दी। तो ये सब सामान रखा हुआ है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पनीर की सब्जी। तो मैंने जीरा डाल दिया है, गरम हो गया था तेल, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है तो ये डाल दूँगी मैं, और इसके बाद ये प्याज का पेस्ट रखा है फिर ये डाल दूँगी। और सभी उसी तरीके से बनाते हैं सब लोग, कुछ अलग नहीं बनाते हैं, एक ही तरीका होता है। थोड़ा सा इसमें फर्क हो जाता है कि कोई मतलब जैसे कोई मसाला कम भुनता है, किसी का ज़्यादा भुन जाता है, इस तरह सबका अपना अपना तरीका होता है। और ये देखिए मैंने प्याज डाल दी तो आप इसको भी भूनेंगे बहुत देर तक। और ये मैं नीचे बना रही थी और ऊपर भाभी लोग, ऊपर मैंने आपको कल दिखाया था वहाँ पे चूल्हा रखा हुआ था तो उसमें बना रही थी वो पूरियाँ। और सूखी सब्जी भी बन चुकी है ऊपर, तो वो उठा के मैंने नीचे ही रख ली थी क्योंकि खाना यहीं होना था नीचे ही। और ये देखिए, और ये अम्मा की किचन है यहाँ पर नीचे, तो मैंने अच्छे से नहीं दिखाया था कुछ भी ढंग से क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं मिला। और किसी दिन कायदे से पूरा दिखाऊंगी जब, तो पूरा शुरू से ही दिखाऊंगी बाहर से। और ये तो ऐसा है कि दो मकान जो हैं वो, ये अम्मा का जो घर है ये रोड पे है और दो मकान अंदर बस्ती में हैं, तो दोनों भाइयों के हैं, वो बड़े भाई का और छोटे भाई का, दोनों के अलग अलग हैं। और ये तीसरा रोड पे बना हुआ है तो ये ऊपर जो पोर्शन आपको दिखाया था वहाँ चूल्हा रखा हुआ था, और एक उस तरफ है तो वो किराए पे है। ऊपर के पोर्शन दोनों किराए से रहते हैं और नीचे एक पोर्शन है रहने के लिए, तो वहाँ पे अम्मा पापा रहते हैं। पहले मैं वहाँ पे मैं रहा करती थी, और जब मैंने मेरा यहाँ पर बन गया था तो मैं अपने घर में आ गई और वो वहाँ खाली हो गया था, तो जो किराए से रहती थी, दो लोग रहती हैं और वो अकेली रहती थी, तो वो उन्होंने कहा कि हम अकेले नहीं रहेंगे, अंकल जी और दीदी चली जाएंगी तो आप लोगों को रहना पड़ेगा, तो अम्मा पापा रहने लगे। तो इस वजह से अम्मा पापा वहाँ रहते हैं और वो किराए से वो रहती हैं। और ये देखिए मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और मैंने पूरी प्रॉपर रेसिपी नहीं दी है क्योंकि सबको बनाना आता है और सबको, किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है इन चीज़ों में। तो मैंने बताया है कि मैंने वहाँ पे इस तरीके से अपनी ये पनीर की सब्ज़ी बना दी थी और रायता भी फ्राई बना दिया था। तो ये देखिए यहीं पे अम्मा खड़ी हैं और ये रायता बन चुका है, इसमें सब डल गया है और पूरी तरीके से तैयार है खाना। और सब्ज़ी बस खोल जाएगी तो बस सब्ज़ी भी, ये देखिए मैंने थाली भी लगा दी है और थाली लग चुकी है। तो ये देखिए सूखी सब्जी है, पनीर की सब्जी है, रायता है, पूरियां हैं और सैलेड है, और इतना ही खाना बना था। तो ये तैयार हो गया है खाना, और अब इसके बाद बस सब लोगों को खाना खिला देंगे हम। और फिर मैं आई थी शाम को ही आई थी, और ये फिर आज सुबह का है, दूसरे दिन का की क्लिप है। और मेरा क्या है कि गेहूं साफ़ करना था मुझे और भेजना था चक्की पे पिसवाने के लिए, तो आज मैं इस वाले गेहूँ में बहुत ज़्यादा कंकड़ है, बहुत ही ज़्यादा कंकड़ है, मतलब अति है कंकड़ की, तो बहुत टाइम लगता है बीनने में। और वैसे तो मैं थोड़ी देर में मतलब वैसे बीन लेती थी, लेकिन अब क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ है तो चश्मा भी लगाना पड़ता है और टाइम भी बहुत लगता है। इस तरीके से बीन लिया था मैंने अपना। ये देखिए संयोग भी साथ में बैठे हैं। दिखा देंगे तुझको मम्मी से मिला देंगे। ओए शर्मा गई का, फोन काट दी। मम्मी आ गई का, ओए मम्मी आ गई का, तुम मर खा गई का। महाभारत कथा अद श्री महाभारत कथा परमास्त की सारथी जिसके भा
विघोषित हुआ सरस सार्थक से विधान सरस विघोषित हुआ यदा यदा दिगर्मस्य गिलार भवति भारतं अभ्युद्धानं अधर्मस्य कदात्मानं सजान्यहं प्रत्राणाय साधूना विनाशाय दुश्चिता अधर्संस्थापनाथाय संभ्रमादि योगे योगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और संयोग चला रहा है छत पर साइकिल, क्योंकि शाम को ही टाइम मिलता है, थोड़ा सा शाम को अच्छा मौसम हो जाता है तो छत पे आ जाते हैं, तो यहीं पे चला रहा है वो साइकिल। और आज तो थोड़ा ठीक ठाक पानी बरसा था, 5 मिनट तो बरस ही गया, से नहीं तो कभी 5 मिनट अच्छे से पानी नहीं बरसता, ऐसे बूंदाबांदी हो जाती है। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा पानी बरसा है, थोड़ा मौसम भी अच्छा है ठंडा के, और अभी इतना नहीं बरसा है, उमस तो रहेगी उमस, और इसी सीजन में उमस होती है। तो मैं भी छत पे हूँ और ये भी है, और बिट्टू बस नीचे है, तो बिट्टू नीचे है और ये कर रहा है शोर साइकिल। वैसे भी छत पर शोर तो होता ही है, रोड से जो वाहन गुजरते हैं उनकी आवाज़। और शाम को यहाँ पे देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे चिड़ियाँ बैठती हैं तो वो भी खूब आवाज़ करती हैं, लेकिन चिड़िया की आवाज़ तो अच्छी लगती है। और आज यहाँ पे संयोग भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है उसकी साइकिल, तो आपने देखा होगा आज के आज मैंने थोड़ा सा रह गया था वीडियो अम्मा के यहाँ का, वो मैंने आज के क्लिप में उसकी वो क्लिप मैंने आज ऐड कर दी। तो ये वाली जो पनीर की सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने नीचे बनाई थी और ऊपर सूखी सब्ज़ी और पूरियाँ बनी थी, तो नीचे किचन में मैंने ये सब्जी और रायता दोनों चीज़ें यहीं पे बनी थी। तो इतना ज़्यादा बहुत कुछ वैसा नहीं था प्रसाद, 5 किलो का प्रसाद चढ़ा था, ज़्यादा नहीं, वैसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत हो। तो लेकिन फिर भी जितने लोग अपने यहाँ मतलब रहते हैं, जैसे यहीं रहते हैं, कहीं बाहर से नहीं आना, और गाँव भी बहुत दूर नहीं है, तो कह दिया था सो आ जाते हैं वो लोग वैसे। और ऐसे ही था, सिंपल 10-12-15-15-20 लोग थे, घर के ही थे, कोई बाहर का नहीं था। तो बस मैंने नीचे पनीर की सब्ज़ी बना दी थी, भाभी लोगों ने ऊपर पूरियां बना ली थी और सूखी सब्ज़ी बना ली थी, नीचे रायता बना लिया था, बस हो गया। तो कल का आप लोगों ने इतना देखा था और कुछ क्लिप रह गई थी तो मैंने आज ऐड कर दी। और आज मैंने बनाई है, आज कोई रेसिपी तो है नहीं, सिर्फ वही है रेसिपी तो है पनीर वाली, वो कल वाली परवल वाली भी आज हमारी मम्मा ने बनाई थी परवल। हाँ, आज मैंने परवल की सब्जी बनाई थी, वो संयोग ने नहीं खा पाई क्योंकि उसमें मिर्ची हो गई थी, और संयोग मिर्ची बिल्कुल नहीं खा पाता है। और ये देखिए कैसे साइकिल चला रहा है और शोर भी कर रहा है, दूर नहीं चलाता है, यही मेरे पास ही में चलाता रहता है। और बिट्टू देख रही है, जोधा अकबर आ रहा है नीचे टीवी में, तो ये दोबारा से शुरू हो गया है, पहले बहुत पहले आया करता था, लेकिन जब लॉकडाउन हो जाता है तो धारावाहिक जो जितने भी सीरियल होते हैं इनकी शूटिंग हो जाती है बंद, तो फिर वो पुराने उन्हें मजबूरी में शुरू करने पड़ते हैं। और महाभारत भी शुरू हो गई है तो महाभारत भी देखते हैं बच्चे। और आज आपने सुना ही होगा, संयोग ने आपको गाना भी सुना दिया है महाभारत का, जो टाइटल सॉन्ग है वो संयोग ने गाया, और एक और भी गाया, तो मम्मी से तुमको मिला देंगे करके कुछ। तो गाना, ये चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं बच्चों को, बहुत जल्दी।
और पढ़ाई की चीज़ें जब इसको टेबल लर्न करने को दी जाती है तो ये नहीं कर पाता है और इसको बहुत टाइम लग। अब मुझे हो गई है पूरी। कितनी हो गई है? हो गई है पूरी 14 से पूरी 20 तक। तो कितना टाइम लगा दिया था इसने टेबल लर्न करने में? रोज़ भूल जाता था। अभी भी भूल जाएगा। अगर देखो ये चिड़िया छत पर, अच्छा लगता है मुझे इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे कम बस्ती है, तो थोड़ा सा ऐसा एरिया है जैसे सुनसान सा रहता है ज़्यादा। बहुत सब रोड है तो रोड की वजह से थोड़ा सा चहल पहल रहता है, नहीं तो वैसे तो बिल्कुल शांति रहे, थोड़ा सा रोड पे ही घर पड़ जाता है। और बिट्टू की तबीयत थोड़ा सा अभी भी ठीक नहीं है, तो मैं अगर बस मुझे अब मैं कल का बस देखूंगी, अगर कल उसकी ठीक नहीं होती है तो फिर मैं उसको उसका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो कल अगर आज मतलब मैं सिर्फ कल देखूंगी, अब मैंने सोच लिया है ऐसे क्या क्या फ़ायदा है कि रोज़ फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, फिर 2-3 इंजेक्शन लग जाएँ। कल तो 2 ड्रिप भी चढ़वा दी थी, डॉक्टर ने कहा कि उसको डिहाइड्रेशन है तो ड्रिप लगवा दी थी, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं लग रहा है, उसको दिखवाना पड़ेगा अच्छे से। और हमारे यहाँ बस यही एक समस्या है कि अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, और हैं जो तो अपने मतलब ऐसे ही हैं, कोई अच्छा डॉक्टर्स नहीं है, तो इसके लिए उसको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता है तो जाना पड़ेगा कहीं, तो वहाँ पर जा कर दिखवाएंगे उसको ढंग से। और उसको जो प्रॉब्लम है पेट से संबंधित है, पेट दर्द करता रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, और कभी कभार उसको उल्टियाँ भी हो जाती हैं, मतलब डिहाइड्रेशन ही की जो है उसके लक्षण भी हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के व्लॉग में। और जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए। जितने लोग भी देखते हैं लाइक कर दिया करें, मैं रोज़ कहती हूँ आप लोगों से लाइक करने के लिए। और जो नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और रोज़ ऐसा कुछ होता भी नहीं है आप लोगों के लिए कि मैं रोज़ कुछ नया कहाँ से लाएंगे, रहना तो घर पे ही हम लोगों को, कहीं बाहर तो आते जाते नहीं हैं कि रोज़ आप लोगों के लिए नया लाएं। कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा मतलब आप लोगों को लगे, इसीलिए जो होता है घर में वही दिखा देती हूँ। और जैसे कल वहाँ चली गई अम्मा के यहाँ, तो वहाँ का भी वीडियो मैंने बनाया तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और ऐसा कुछ खास नहीं होता है मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो मैं खुद ही चिड़ियाँ और ये सब देखती रहती हूँ, आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, मेरा भटक जाता है मन। यहाँ पे ये चिड़ियाँ और ये शाम को तो आती हैं यहाँ पे बैठती हैं, मेरे एक चिड़िया मेरे यहाँ पे भी गार्डन एरिया में एक चिड़िया आती है, बहुत छोटी सी सोन चिड़िया कहते हैं उसको, वो आती है रोज़ शाम को। कल नहीं आई थी, पता नहीं कहाँ एक दिन और नहीं आई थी, तो सही कह रहा था शादी में गई होगी किसी की फिर दूसरे दिन आ गई थी, तो आज कल भी नहीं आई थी, तो सही कहने लगता है कि वो कहीं गई होगी किसी की शादी में, कल आ जाएगी। तो सही में एक दिन बाद आ जाती है और बहुत ही प्यारी लगती है, इतनी छोटी सी है और वो उड़ती नहीं है, अगर वो बैठ गई तो हम लोग वहीं घूमते रहेंगे खूब, उसके पास भी चले जाएंगे, लेकिन वो भागती नहीं है, फिर उड़ती नहीं है, बैठी रहती है। और मैंने एक दिन वीडियो भी बनाया था उसका, तो वो कितनी सो रही थी आँखें बंद किए, थोड़ी सी हवा चली तो उठ गई और फिर सो गई, बहुत प्यारी लगती है वो। और मैं उसको रोज़ देखती हूँ, संयोग भी उसको रोज़ देखने जाता है। ये देखिए चिड़िया,
बहुत शोर कर रही हैं आज, तो वो संयोग उसको रोज देखने जाता है शाम को कि आई कि नहीं आई, तो आ जाती है, कल नहीं आई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो कल के लिए आज के लिए बस इतना ही, और बाय बाय फ्रेंड्स।